वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले गाइस सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना, क्योंकि गाइस वी आर सो क्लोज टू 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। और मैं यहाँ पे एक चैलेंज कर रहा हूँ जिसमें गाइस मैं 1 रुपए हर एक न्यू सब्सक्राइबर पे डोनेट करूंगा। तो गाइस जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब का बटन दबाना। तो गाइस यहाँ पे मुझे पता नहीं यार मैं कहाँ पे आ चुका हूँ। मुझे ऑगी ने बिल्कुल रास्ता पता कैसे दिखाया, यहाँ से दाएं मुड़, वहां से बाएं मुड़, वहां से बाएं मुड़, फिर से दाएं, पता नहीं यार लेफ्ट राइट कर रहा था। तो यार मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे साथ कुछ बहुत ही दाएं बाएं पे ट्रॉल ना हो जाए। लेकिन गाइस वी आर ऑब्वियसली गोइंग बैक टू द प्लेस, क्योंकि गाइस यहाँ पे बहुत ही बड़ा समुंदर यहाँ पे आ चुका है, बस उसी के अंदर ही मैं तैर रहा हूँ। और मेरे सामने गाइस एक और घर है। तो गाइस मुझे ऑगी ने बोला कि पिछली बार आप ये वाला एपिसोड बहुत ही तगड़ा खतरनाक पसंद आया था, और उसने फिर भाई एक और माउंट एवरेस्ट ढूंढा और उसी के सामने एक और नया बंकर खड़ा कर दिया। तो गाइस ऑगी ने पता है एक चीज ठान रखी है कि भाई वो समझता है कि भाई मैं हार जाऊंगा, मेरे बस की कुछ भी बात नहीं है। तो गाइस आज मैं उसको प्रूव करके रहूंगा इस बंकर को हासिल करके। तो गाइस ये बंकर जो ये बंकर नहीं लग रहा है यार, यहाँ पे तो गाइस टूटा फूटा भाई ट्री हाउस लग रहा है बिना लीव्स का। यार तेरे को पता नहीं सदियों से किसी ने पानी तेरे ऊपर नहीं डाला, क्या नहीं डाला भाई ट्री ये बता दे यार। यहाँ पे तो भाई आधी एंड सिटी का पार्ट लग रहा है तू। तो अभी एक काम करते हैं गाइस, यहाँ से ऑब्वियसली आपको तो पता ही है कि गाइस यहाँ पे वेव्स वगैरह आनी है, एंड आई एक्चुअली डोंट नो कि भाई कौन सी वेव्स वगैरह आनी है। गाइस अभी माउंट एवरेस्ट के पीछे भाई सूरज जो है छुप चुका है भाई, वो भी मतलब कि देखना नहीं चाहता कि ऑगी कैसे हारता है। तो अभी एक काम करता है गाइस, यहाँ पे वेट अ मिनट गाइस, यहाँ पे ढेर सारी चीजें आ चुकी है। वेल पहले गाइस यहाँ पे एक्सप्लोरेशन वगैरह जो है गाइस हमें करनी पड़ेगी। तो एक काम करता है यहाँ पे हमें इतने ज्यादा एंचांटेड गोल्डन एप्पल्स वगैरह तो चाहिए नहीं। nope. और गाइस यहाँ पे हमें रीसेट वेव का बटन भी नहीं चाहिए, एंड आई ऑल्सो आई डू नीड नाइट विजन, ठीक है ना। तो गाइस अभी यहाँ पे भाई हमने मनी जो है अपने बार में एड कर लिया। तो अभी एक काम करता है गाइस, ये मैंने पहन लिया भाई डायमंड का आर्मर, और यहाँ पे गाइस मैं फुली प्रोटेक्टेड हो चुका हूँ। लेकिन पहली बात तो ये कि मुझे यहाँ पे एक्सप्लोर करने की, यहाँ पे वैसे एक्चुअल में यहाँ पे कौन कौन सी चीजें जो मुझे दी हुई है। वेट अ मिनट गाइस, यहाँ पे मुझे फैंटम गन दी हुई है, मतलब कि गाइस यहाँ पे फैंटम वगैरह भी आने वाला है। वेव ओके, दिस स्टार्ट्स द वेव, और गाइस यहाँ पे मुझे फैंटम गन ओके। तो गाइस यहाँ पे भाई मुझे फैंटम गन नहीं चाहिए फिलहाल, क्योंकि भाई वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन हमें गाइस ये क्या है, गोलाइट स्टाफ, व्हाट इज दिस यार, स्पाइक्स एनीवेयर, लेजर टरेट। ओह यस गाइस, ये काम करते हैं, 3 लेजर टरेट जो है गाइस मैंने ले लिया। तो गाइस यहाँ पे मैंने 3 टर्रेट जो है सामने एज यू कैन सी रख दिए हैं, और यहाँ पे गाइस एक और पावर भी है जिसका नाम है फायरवॉल। और गाइस वो पावर आई थिंक ये जो बॉर्डर लाइन खड़ी हुई है गाइस वहां पे आई डोंट नो कि लावा निकलता है या क्या निकलता है, आई एम एक्चुअली नॉट श्योर। लेकिन यहाँ पे एक और पावर जो है गाइस, यहाँ पे मुझे ढेर सारे स्पाइक्स वगैरह जो है मिल सकते हैं। तो एज यू कैन सी गाइस यहाँ पे भाई मैंने ढेर सारे स्पाइक्स ले लिए, और यहाँ पे मेरे पास गाइस 17 स्पाइक्स है, और यहाँ पे एंट्रेंस पे जो है वो स्पाइक्स लगा लेते हैं ताकि भाई जैसे ही भाई वो बंदे आए, ज़ॉम्बीज आए या जो मर्जी आए, जैसे ही भाई वो आए यहाँ पे डैमेज लेंगे। और गाइस यहाँ पे एक काम करते हैं कि फटाफट से इधर भी जो है थोड़े से स्पाइक्स लगा लेते हैं। मेरे पास इतने ज्यादा तो है नहीं है स्पाइक्स, लेकिन 2 ही थे यार वहाँ पे मैंने लगा दिए। लेकिन गाइस नेक्स्ट वेव के अंदर आई थिंक वी हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। लेकिन अभी एक काम करते हैं ऊपर जाके और चीजें जो है गाइस एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि सामने वहाँ पे कुछ ना कुछ था बाहर वाली तरफ। देयर वी गो। तो गाइस यहाँ पर है कैनन पॉइंट्स, ओह माय गॉड गाइस मुझे कैनन भी मिल सकती है, I don't have enough points यार। लेकिन इस चेस्ट के अंदर क्या है? Okay, इस चेस्ट के अंदर भी भाई कुछ नहीं है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है, and there's nothing left। मतलब कि guys मेरे पास बस यही चीजें हैं यार पहली वेव के लिए। तो guys मुझे तो वैसे ढेर सारे points चाहिए, and let's just start the first wave। Oh my god guys, यहाँ पे तो phantom वगैरह आ रहे हैं भाई। काम करते guys, यहाँ पे मैं night vision अपना लगा देता हूँ, और suddenly यार यहाँ पे मतलब कि रात हो चुकी है। Oh my god guys, ये देखो phantom तो guys मुझे attack ही नहीं कर पा रहे यार। What is it doing भाई? अबे आगे 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 आगे, अबे तेरी तो ऐसी, अबे गिरा दिया यार मामा, यार मुझे तो गिरा दिया भाई। अब इनका अटैक जो है गाइस पूरा का पूरा शुरू हो चुका है, यहाँ पे लेजर टर्रेट जो है गाइस ऑब्वियसली मारने लग चुकी है। अबे तेरी तो, अबे तुम, अबे ये देखो गाइस मेरे पीछे पड़ चुके हैं यार। आजा आजा आजा, एक दूसरा भी आजा। ओके ये वाला भी गया गाइस, क्या डायमंड की पावर है यार मेरी। ओके तो गाइस यहाँ पे ये छुपे हुए हैं, मतलब कि गाइस ये एवरेज ज़ॉम्बी वगैरह मतलब कि मेरे पास आ नहीं रहे, आई डोंट नो व्हाई। तो गाइस यहाँ पे वो स्पाइक से डर चुके हैं या क्या डर चुके हैं या
लेजर उनको भाई सामने मेरे पास आने नहीं दे रही, व्हाट इज दिस यार, आई एम एक्चुअली नॉट श्योर। लेकिन गाइस पिछली वीडियो से भी भाई यहाँ पे उसने तो ज़ॉम्बीज वगैरह अपग्रेड कर दिया यार, यहाँ पे एवरेज ज़ॉम्बी पे भाई फैंटम वगैरह भी आ रहे हैं, एंड दिस फायर ज़ॉम्बी जो कि भाई मुझे फायर वगैरह भी दे रहे हैं। ओह माय गॉड गाइस ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और गाइस यहाँ पे पता नहीं मेटल के बने हुए हैं ये, क्या बने हुए हैं भाई ये ज़ॉम्बी यार, कहाँ से आते हैं ये लोग, कहाँ से मतलब कि ये लेकर आते हैं यार ये आर्मी को। ओके एक काम करता है ये वाली स्वॉर्ड जो है उठा लेते हैं गाइस, एटलीस्ट इसमें नॉकबैक तो होना है। ओ यस 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 नॉकबैक, आई रिमेंबर गाइस यहां पे नॉकबैक है। और एक काम करता है फटाफट से एक गोल्डन एप्पल खा लेती है। वैसे पहली वेव जो गाइस बहुत ही इजी है, तो एक काम करते हैं इनको पता है टर्रेट के पास लेकर चलते हैं यार, अगर गाइस टर्रेट के पास जाएंगे तो आई थिंक दे विल बी इजियर टू किल। तो अभी एक काम करते, अबे मेरी टर्रेट काम क्यों नहीं कर रही यार, एक टर्रेट को तो भाई इन्होंने उड़ा ही दिया, पता नहीं क्या हो रहा है भाई। अबे टर्रेट मारना यार क्या कर रहे हो भाई, ज़ॉम्बी को उड़ा यार क्या कर रहा है भाई। हां अब मार ज़ॉम्बी को मार, अबे तू भी मार मैं कह रहा हूं तू भी मार, आगे चलो यहां पे मूव हो के आगे भाई, जैसे कि यहां पे वुल्फ वगैरह मूव हो रही है भाई, यहां पे अटैक करना है तुमको, आगे जाओ, यहां पे मैंने तुम्हें पैसे देके खरीदा भाई, वसूली तो हमें करनी पड़ेगी। तो अभी एक काम करते गाइस, हमारे पास 248 पॉइंट्स है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस जो कि मुझे चीज रिडीम करनी है वो है गाइस कैनन जो कि अपस्टेयर्स में है। और गाइस यहां पे आई अज्यूम कि वेव 2 के अंदर फैंटम वगैरह ज्यादा आने वाला है, तो आई आल्सो हैव स्पार्कलिंग फैंटम गन, मतलब कि गाइस आई थिंक आई विल बी एबल टू किल फैंटम इन वन गो। और गाइस यहां पे ये कैनन ले ली और बूम, ओ माय गॉड गाइस क्या खतरनाक कैनन है यार, मैं यहां पे गाइस शहंशाह बनके यहां पे मारूंगा यार, 16 तोपों की सलामी आज देनी पड़ेगी। तो अभी एक काम करते हैं यहां पे चलते हैं, वी आर नॉट स्टार्टिंग एनी वेव एट द मोमेंट। तो अभी एक काम करते हैं गाइस, यहां पे अभी टाइम आ चुका है, ए स्पाइक तो भाई मुझे मिल गया, ये क्या है भाई गोलाइट स्टाफ, व्हाट इज दिस, ओ मिनी गोलम स्पॉन कर रही है भाई ये तो, अबे मेरी टरेट को मत उड़ा मामा, अबे टरेट को मत उड़ाओ यार, गाइस दे आर सीइंग टरेट एज एन एनिमी। तो यहां पे ये क्या है लेजर टरेट, ओके लेजर टरेट भाई यहां पे दो ऑलरेडी हैं, और मैंने गाइस इन दो गोलम्स को स्पॉन करके नतीजा देख लिया है कि भाई टरेट को खुद ही भागना पड़ा यार इन गोलम से। तो अभी एक काम करते हैं गाइस यहां पे ढेर सारे गोलम जो है ना सामने स्पॉन कर लेते हैं। तो गाइस यहां पे मुझे स्पाइक्स वगैरह तो मेरे पास है, लेकिन गाइस स्पाइक्स वगैरह जो है उनकी टनल के मतलब कि आगे ही मैं लगाऊंगा, मतलब कि जैसे ही भाई वो बंदे निकले ज़ॉम्बीज निकले या जो मर्जी निकले, अबे गोलम तो क्या कर रहा है यार यहां पे, तो यहां पे मर जाएगा मामा, सोच ले मर जाएगा, अबे तुम तो पीछे हटो भाई, अबे यार मेरी टर्रेट को बेफालतू में यार उड़ा रहे हैं गाइस। अभी एक काम करता है यहां पे आई थिंक वेव 2 जो है गाइस शुरू करनी पड़ेगी, आई थिंक आई एम ऑल प्रिपेयर्ड यार, यहां पे मेरे पास इतने पॉइंट वगैरह तो नहीं है वैसे, लेकिन आई थिंक गाइस इट्स बेटर टू स्टार्ट इट राइट नाउ। अभी एक काम करते हैं गाइस ऊपर जाके फटाफट से वेव स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स डू दी कैनन बिट। तो गाइस कैनन के साथ उनको हराएंगे, वेव 2 हैज बीन स्टार्टेड। ओके इतने ज्यादा, अबे इतने ज्यादा फैंटम मामा इतने ज्यादा, और मैं इनको मारूं कैसे, अबे मारूं कैसे मामा, फिर भी आ रहे भाई मेरे पास आ रहे हैं, ओ माय गॉड गाइस ये मेरे पास आ रहे, ओ भाई साहब क्या खतरनाक पंछी उड़ उड़ के आ रहे भाई। okay, तुम्हें तो भाई मैं दूर दूर से मारूंगा, सब्बर रखो तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। तो अबे यार ज़ॉम्बीज को देखो गाइस यहां पे पीछे से आ रहे हैं। एक काम करते हैं एक गोलम जो है गाइस यहां पे मैं मिनी वाला स्पॉन करके रहूंगा, और ये भाई फैंटम को जरूर उड़ाएगा। तो अभी एक काम करते हैं गाइस ये दूर वाले फैंटम जो कि मेरे पास आ रहा है इसको मार लेते हैं, और इसको भी मार लेते हैं, और इसको भी मार लेते हैं, बिकॉज आई रियली डोंट लाइक फैंटम्स। और गाइस यहां पे ये बहुत ही क्लेवर बन चुके हैं यार, अबे यार ये तो बहुत ही क्लेवर है मामा, यहां पे ज़ॉम्बीज को, अबे डायमंड ज़ॉम्बीज भी आ चुके हैं गाइस, There are minor zombies, there is diamond zombie, और guys ये तो बिल्कुल trap वगैरह को dodge करके आ रहे हैं यार। Okay, सामने तो अब कुछ नहीं रहा, अभी guys मुझे इनके साथ ही पंगा लेना पड़ेगा। अभी guys एक काम करते हैं, पहले तो इस phantom को मारूं यार, तेरी तो ऐसी की तैसी, कहां गया ये phantom? Okay, ये गया phantom, और नीचे, oh my god guys यहाँ पे तो झुंड में खड़े हुए हैं यार, अबे मारना इनको, iron golem मार इनको, मैं कह रहा हूँ मार, अभी और कहां पर है तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, हाँ तुम जाओ। अभी इतनी ज्यादा सिल्वर फिश कहां से आ गई भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा। ओह माय गॉड इसको तो भाई ये छोटे-छोटे पिद्दी उछाल-उछाल के मार रहे हैं। ओके द गाइस वेव 2 हैज बीन एंडेड, लेकिन यहां पे इतनी ज्यादा सिल्वर फिश कहां पर गई? ओके एक सिल्वर फिश वहां पर है, आई रियली डोंट वांट देम टू एनोय मी। तो अभी एक काम करते हैं गाइस, मेरे पास बहुत ही ज्यादा पॉइंट्स जो हैं आ चुके हैं, और ये सिल्वर फिश वगैरह को मारने का आई डोंट नो क्या तरीका है, लेकिन गाइस यहां पे अभी हमने फायरवॉल जो है बाय कर लिया। एज यू कैन सी गाइस यहां पे जैसे ही बंदे आए मतलब कि एंट्री पे ही भाई जल जल के मरेंगे।
राख हो जाएंगे भाई राख। तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे एक दो लेजर टरेट वगैरह ले लेते हैं, एंड वी ऑल्सो हैव स्पाइक्स। ऑब्वियसली गाइज यहाँ पे स्पाइक्स वगैरह की जरूरत मुझे बहुत ज्यादा पड़नी है, तो ये गाइज रख लिया मैंने यहाँ पे स्पाइक्स। एंड आई थिंक गाइज उनको इधर से भी आना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो रास्ता जो है ना अपना नापते रहते हैं, और गाइज जितना मर्जी हो सके कैनन जो है ऊपर यूज करनी है। तो अभी एक काम करते हैं गाइज, यहाँ पे तो भाई मैंने ढेर सारे आयरन गोलम वगैरह जो है स्पॉन कर लेने हैं फिलहाल उन्हीं के पास ही, ताकि भाई ये उनको डॉज करते रहे। हमारे मिनी बॉडीगार्ड जो है गाइस यहाँ पे मैंने स्पॉन कर लिया, इट्स टाइम फॉर अस टू गो अपस्टेयर्स। और गाइस वहां पे एक काम करते हैं, दो तीन ना टरेट वगैरह हम अपने पास ही रख लेंगे यार ऊपर, ताकि भाई गोलम ऊपर तो आ नहीं सकते, ऊपर आके तो भाई टरेट को मारेंगे नहीं। तो एक काम करते हैं गाइस, यहीं पर ही दो तीन टरेट जो है ना यहाँ पे रख लेते हैं, एक यहाँ पे रख दी, एक यहाँ पे रख दी, एक यहाँ पे रख दी और एक यहाँ पे रख दी। ठीक है, तो गाइस इट्स टाइम फॉर अस टू स्टार्ट द लास्ट वेव, और हमें भाई ये बंकर जो है फटाफट से क्लेम करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे इतने ज्यादा कुत्ते भी आ चुके हैं, और गाइस यहाँ पे इतने ज्यादा फैंटम, अबे मारने आगे भाई मुझे मारने आगे नो, अबे ये तो मुझे नीचे फेंक देंगे भाई, अबे ये डॉगी जो है ऊपर आ जाएंगे। ओके एक काम करते गाइस इनको, ओ माय गॉड गाइस कैनन कितनी खतरनाक है यार, अबे यार ये फैंटम मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है यार, इन कैनन्स ने तो उनको बिल्कुल उड़ा ही दिया। अबे ये फैंटम ने तो भाई मेरे ऊपर मतलब कि जंगली पंछियों की तरह भाई हमला कर दिया यार। तो अभी एक काम करते हैं, इसको भाई मेरे पास अच्छा हुआ ये फैंटम रिग है। और गाइस यहां पे देखो यार, अबे टरेट वगैरह तो, अबे नीचे भी फेंक दिया यार मुझे इसने, अबे नीचे फेंक दिया इन्होंने मुझे, नीचे फेंक दिया नो, आयरन गोलम मेरे मिनी बॉडीगार्ड जो है गाइस उनका यूज करना पड़ेगा। अबे यार ये तो आ ही जा रहे भाई। ओके एक गया, उनको देखो, उसको देखो भाई वो पता नहीं दोनों बार क्या कर रहे। अबे मेरे आयरन गोलम मेरे पीछे ही पड़ चुके हैं यार, अबे मारो इनको, अबे यार इनको मारो यार, पंछियों को मारो भाई, छोटे छोटे पिद्दी आयरन गोलम्स यार यहाँ पे स्पॉन हो यार, ऊंचाई पे जाओ यार, सीढ़ियां लगाओ भाई, तुम क्या कर रहे हो यार। ओके तो गाइस ये आई थिंक लास्ट, ये वाला लास्ट है। अबे ये क्या हुआ, एक मिनट, वेव 3 हैजंट बीन एंडेड येट, मतलब कि एक दो प्राणी जो है रहते हैं। ओके तो गाइस एक बंदा वो रहा, एक काम करता है उसको तो भाई मेरा पिद्दी सा आयरन गोलम जो है मार के, अबे मेरा आयरन गोलम कहां है भाई, मेरा आयरन गोलम स्पॉन हो गया। और गाइस उसको मार के आ रहा है भाई, दो एंड द बंकर इज नाउ योर्स। तो गाइस आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही यार, अगर आपको चाहिए कि गाइस ये बंकर जो है मैं एक्सप्लोर करूं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और गाइस मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड ज्वाइन माय डिस्कॉर्ड, क्योंकि भाई मैं वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, एंड टेक केयर, बाय बाय।